और एक सोचती हूँ कि हमेशा कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने ऑलराउंडर हर तरह पे पैर रखे रखा कि मैं ये भी गा सकती हूँ, ये भी गा सकती हूँ, ये भी घर नहीं छोड़ना है, घर का खाना भी पकाना है, बच्चों को भी देखना है। तो बच्चों के खाने बनाते बनाते बच्चों के ही मन में आया मेरे लड़के के कुछ होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा रहेगा। सारी मदद तो मेरे बेटे की है उसमें, तो ये जब चालू हुआ तो उसने कहा कि हमें तुम्हारी रेसिपी चाहिए। मैंने कहा नेचुरली, तो मैंने एक लड़के को घर में ला के उसको 6 महीने तक सिखाया मेरा खाना। और मेरी इच्छा यही है कि जो आके खाए उसको ये फील हो कि मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ। वो मजरू सुल्तानपुरी की जो बेगम हैं उनके घर में मैं जाती थी तो वो कबाब बनाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे बच्चों को भी पसंद थे। तो मैंने ऐसे पूछा, सर सर ये मुझे बताओ, तो उनकी खाला थी तो खाला ने बताया कि ऐसे ऐसे। तो मजरू साहब को मैंने परमन साहब की पार्टी में कबाब दिए, उन्होंने हाथ में उठा के एक निवाला लेके एकदम गुस्सा हो गए, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। मैंने कहा मैंने बनाया, तुम कैसे। मैंने कहा अंकल बेगम ने सिखाए हैं, बेगम के ही कबाब हैं। हाँ ऐसे बोलो तो मेरे घर से हैं। मैंने कहा तो आपके घर से हैं। वो ज़माने के जो गाने थे बहुत बढ़िया गाने थे। आप देखिए कोई सिंगर अभी उतना अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर ही नहीं है। रिकॉर्डिंग में जो एक दिन जाता था, आधा दिन उसमें गा के उसको हम इम्प्रोवाइज़ करने में गाना सुंदर होता जाता था। तो एंड की लाइन में आँख में आंसू आने चाहिए, इतना उसका वो क्या बोलते हैं क्लाइमैक्स होना चाहिए, और वो होता था। अब क्लाइमैक्स कहाँ से लाए, इसका सिचुएशन बताइए, किस सिचुएशन पे गाना जा रहा है। तो वो बोलते थे कि ये सिचुएशन पे है, ये गाने वाला आपके साथ है, या आप किसके लिए गा रही हैं, आप किसको सीड्यूस कर रही हैं, वो आपको क्या कर, मतलब इतना कुछ डिटेल में हम बात करते थे कि जैसे कि अब ये शराब का गाना है, आपको हिचकी देनी है, तो गाते गाते हिचकियाँ देना, आओ हुजूर तुम ऐसे करना। अभी क्या होता, बंधा हुआ गाना आता है, कान पे हेडफोन लगाए, 2 बार ये गाना है, फिर बैठ गए चाय वाय पिया, 3री लाइन गाई, तो मूड ही चला जाता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं गाती मैं, क्योंकि पहले ये था कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मुझे गाना ही था, मुझे बच्चे बड़े करने थे। अभी वो म्यूज़िक नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा, वो फीलिंग्स नहीं रहे। एनर्जी मेरा ख्याल है ये मन से, जन्म से शायद आती है, मैं जन्म से ऐसी हूँ, बहुत बोलने की आदत, हंसने की आदत, तो शायद बचपन से मेरे में है वो। मैं बैठ नहीं सकती, आप मुझे बोलेंगे कि 2 घंटे एक जगह पे बैठो तो मैं मर जाऊँगी।